हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करूंगी कि आप लोग किस तरीके से अपने हिप्स वाले एरिया को क्लीन एंड स्मूथ एंड सॉफ्ट बना सकते हैं, साथ ही साथ उनका उसका जो कॉम्प्लेक्शन है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस, उस पर जो एक्नेज होते हैं, जो पिंपल्स होते हैं, जो डार्क स्कार्स होते हैं, उसके अपीयरेंस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। सो गाइस, बेसिकली हम जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जब गाइस हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर या पैंटीज पहनते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो ब्रीथ नहीं कर पाती है। उसकी वजह से हमारी बटक्स के स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें बहुत सारे एक्ने, डार्क स्पॉट्स वहां पर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं वहां पर बहुत सारे पिंपल्स एंड एक्ने, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं और वहां की स्किन काफी ज्यादा खुरदरी और रफ हो जाती है। सो गाइस, यहां पर मैं आपको कुछ नेचुरल तरीके बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने हिप्स के एरिया को स्मूथ कर सकते हैं, ब्राइटन अप कर सकते हैं, साथ ही साथ एक्ने और पिंपल्स की अपीयरेंस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहला तरीका है मेरे पास यहाँ पे कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ पे पैराशूट का कोकोनट ऑयल के बारे में बात कर रही हूँ गाइस। जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें बेनिफिशियल मीडियम चेन फैटी एसिड्स जैसे कि लॉरिक एसिड एंड कैप्रिक एसिड होते हैं। दीज फैटी एसिड कंटेन्स एक्सीलेंट एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। इनके अंदर एक्सीलेंट एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बैक्टीरिया के एग्जिस्टेंस को एलिमिनेट करते हैं एंड जो एक्ने हो रहे होते हैं उसकी अपीयरेंस को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सो गाइस, आपको थोड़ा सा जो कोकोनट ऑयल है वो अपने हाथ में लेना है और उसको अपने हिप्स के एरिया में रब करना होता है रात को सोने से पहले। इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपका हिप्स का एरिया काफी ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगा और साथ ही साथ आप उस पर जो एक्ने और पिंपल्स हो रहे हैं उसके अपीयरेंस भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। सो गाइस, में ये तो फर्स्ट तरीका था। सेकेंड तरीका है गाइस एलोवेरा जेल। गाइस, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि एलोवेरा जेल की बहुत सारी स्किन बेनिफिट्स प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल की बात कर रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप पतंजलि का एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, एलोवेरा जेल में बहुत सारी विटामिन, मिनरल्स एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। साथ ही साथ इसमें विटामिन ई प्रेजेंट होता है जो कि हमारे स्किन को जो नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, उस पर आने वाले डार्क स्पॉट्स, स्कार्स, पिंपल्स के अपीयरेंस को रिड्यूस करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो हमारे स्किन पर होने वाले बैक्टीरियाज को रिड्यूस करती है और एक्ने के अपीयरेंस को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको ये लेना है, उसके बाद आपको इसको दो पार्ट में चॉप करके आपको अपने एरिया पर रब करना होता है। यहां से आप इसको यहां से चॉप कर सकते हैं कुछ इस वे में गाइस। आप इसको इस तरीके से आप इसको चॉप कर सकते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इनको टू हाफ में इसको बांट लिया। उसके बाद आप इसको अपने बट्स के एरिया में इस तरीके से रब करेंगे। गाइस, ये आपके बटक्स के एरिया को मॉइस्चराइज तो करेगा ही, साथ ही साथ गाइस उस पर होने वाले एक्ने, पिंपल्स के अपीयरेंस को रिड्यूस करेगा। इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसकी वजह से गाइस एक्ने का अपीयरेंस है वो भी रिड्यूस होगा। साथ ही साथ आपके वहां की स्किन भी इंप्रूव होगी, वहां का टेक्स्चर इंप्रूव होगा और काफी ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। सो गाइस, ये था सेकेंड तरीका। नाउ गाइस, सो गाइस तीसरा और सबसे आसान तरीका है आइस रब। गाइस, रबिंग आइस ऑन दी बटक्स हेल्प्स ट्रीट बट एक्ने, इट सूदेस द स्किन एंड रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय एक्ने। कहने का मतलब ये है कि गाइस, जब हम अपने बटक वाले एरिया में या फिर हिप्स वाले एरिया में जब हम आइस को रब करते हैं तो क्या करता है, हमारी स्किन को सूद करता है, सपल बनाता है और जो एक्ने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होते हैं उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो अब क्या करना है, 1 से 2 आइस क्यूब्स लेने हैं एंड अफेक्टेड एरिया में आइस क्यूब्स को कुछ मिनट्स के लिए रब करना है, फिर उस एरिया को ड्राई होने देना है एंड देन उसको आप इस किसी कवर से, क्लोथ से कवर कर लीजिए। सो कई थे तीन तरीके थे, इन तीनों तरीके से आपको काफी मदद मिलेगी अपने बट एरिया को स्मूदन करने में, उसको ब्राइटन अप करने में, साथ ही उस पर होने वाले एक्नेस, पिंपल्स को रिड्यूस करने में। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में।